भाइयों का धर्म प्रचार प्रसार मंच में स्वागत है। मित्रों, आज हम माँ रेणुका के मंदिर में आए हुए हैं और इस स्थान को जानापाव के नाम से जाना जाता है और इसे भगवान परशुराम की जन्म स्थली भी माना जाता है। पौराणिक दृष्टिकोण से हम देखें तो जो परशुराम भगवान के माता और पिता थे, ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका, ये पहले हिमाचल प्रदेश में रहते थे, वही उनका आश्रम था। लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी आई कि उन्हें हिमाचल प्रदेश से मध्य प्रदेश के इन जानापाव की पहाड़ियों में आकर अपना आश्रम बनाना पड़ा, यहाँ गुजारना पड़ा। कहते हैं कि भगवान परशुराम का इसी स्थान पे जन्म हुआ और इसी स्थान पे उन्होंने शिवजी की तपस्या की और उन्हें परसा प्राप्त हुआ। माता रेणुका ने यहाँ अपना समय गुजारा है, यही बाल्यावस्था में भगवान परशुराम जी ने अपने समय गुजारे। तो ये देवभूमि है, देवताओं ने भी स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पे पलायन किया था। बहुत पावन भूमि है और हम लोगों को इस धरती पे कुछ अच्छा करने का सौभाग्य मिला है, ये हमारा अवसर है। हमारे साथ एक महाराज जी है। महाराज जी, आपका शुभ नाम पूछना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? हुकुम बाबा। हुकुम बाबा जी हैं। इनसे मिलकर मुझे सबसे बड़ी खुशी ये लगी कि इन्होंने 7 वर्ष इनके जीवन के माता रेणुका की पूजा पाठ भक्ति और श्रद्धा के सहारे गुजार दिए। 7 वर्षों में सोच लीजिए मित्रों कि एक सरकार बदल जाती है 5 वर्षों में। लोग 7 वर्षों में कलेक्टर, एसपी, डीआईजी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कई लोग इस दुनिया में अधिक पाने की आकांक्षाओं में स्वर्ग लोक की ओर चले जाते, कुछ लोग नरक लोक की ओर चल जाते, बहुत सारे लोग माला माल हो जाते धन दान से 7 वर्षों में। कई लोग करोड़ों की संपदा जमा कर लेते हैं, कई लोग शादी विवाह करके गृहस्थी से बन जाते, लोग बहुत कुछ पा लेते हैं, लेकिन इन महाराज को क्या मिलाऊंगा। एक बार सोचिए कि 7 वर्ष माता रानी के इस धाम पे पूजा पाठ भक्ति भाव माता रानी की स्तुति करने में क्या मिलाऊंगा। ये श्रद्धा और आस्था की डोर है, जो जितना अधिक माँ से स्नेह भक्ति रखता वो उसी रूप से जान सकता कि 7 वर्षों में इनको क्या मिलाऊंगा। आज लोग तो एक बार माता के दर्शन करने के लिए आते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा श्रेष्ठ बताते हैं, बहुत बड़ा धर्मों का ज्ञाता बताते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी बन जाते हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बॉलीवुड में फिल्में बना रहे हैं, सीरियल बना रहे हैं, वो लोग कभी ऐसे स्थानों पर आके नहीं देखते, कभी इन स्थानों के बारे में चर्चा नहीं करते, कभी संस्कृति और धर्म जो के बारे में इतना समझने की कोशिश नहीं करते और बड़ी बड़ी फिल्में रच देते हैं। वास्तव में ये लोग धर्म को धोखा दे रहे हैं, अपनी संस्कृति के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। आप जब तक सच्चे मन से माता के इस दरबार में दर्शन के लेने आओगे, इसकी धर्म संस्कृति इन बाबा लोगों से नहीं जानोगे, माता के भक्तों से न पूछोगे, तब तक आप उसका सही इतिहास लिखने में असक्षम हो। आज मैं खुद माता रेणुका के एक पौराणिक ऐतिहासिक एल्बम का निर्माण कर रहा हूँ और 6 महीनों से सतत प्रयास कर रहा हूँ कि पूरी सही सही चीज़ें आए, कहीं भी मुझसे भूल ना हो। और माता रानी ने हजारों रेणुका भक्तों से मिलाया, तब जाके इस पौराणिक एल्बम का निर्माण हो रहा है। तो ये संघर्ष है, ये इतिहास रचने की एक कला है जो हमें हमारे देवताओं से मिली है। तो आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है कि सत्य की खोज बहुत प्रभावित करती है, लेट होती है, बहुत पराजित होता है आदमी, बहुत प्रताड़ित होता है, लेकिन मिलता है। तो आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप सच्ची लगन और आस्था से माता के शरण में आए, माता रानी के भक्तों से जुड़िए, श्रद्धा और भक्ति से इनसे परामर्श पूछिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। इसी के साथ आप सभी भाइयों को जय माँ रेणुका, जय परशुराम, जय माता दी।